जी का। जोरदार तालियां हो जाए सोनू सूद अभिनेता और रॉबिन रैना जी के लिए। मैं मंच पर दोनों का स्वागत करना चाहूंगी। सोनू बहुत बहुत स्वागत है आपका, रॉबिन आपका भी। अपने भी सीट ग्रहण कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सोनू सूद को मसीहा का दर्जा दिया गया, एक ऐसे शख्स का दर्जा दिया गया जिसकी तस्वीर चस्पा हुई एक हवाई जहाज पर। सोनू, गौरवान्वित तो महसूस होता ही है, लेकिन इसके साथ ही क्या एक दायित्व का भाव भी आता है कि अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर पर आ गई, कैसे मैं इसका निर्वहन कर पाऊंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कमाल की फीलिंग आती है, वो दिन याद आता है जब आप अनरिजर्व टिकट से मोगा से मुंबई आए थे अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, और फिर एक दिन आपकी तस्वीर छप जाती है जैसे आपने कहा। बट यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल, आपको लगता है कि आपके कंधे पर अचानक एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिससे आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है। पहले मुझे याद है कि एक समय था जब बड़े डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के फ़ोन आते थे तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि स्क्रिप्ट आया है, कब सुनूंगा। अभी जब स्क्रिप्ट आते हैं उतना एक्साइट नहीं करता, लेकिन आम लोगों के बीच में जब आप जुड़ते हैं और आप उनकी मुश्किलें कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, आई थिंक जो वो एक्साइटमेंट है उससे बड़ी खुशी कोई नहीं। वो मैंने पिछले 2 साल में एक्सपीरियंस किया है। देखिए सोनू, बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्विटर को लोग अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, कोई वहाँ पर अपनी भड़ास निकालता है, कोई अपने राजनीतिक व्यूज़ देता है। आपने ट्विटर को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया और लोगों ने उसका एग्जाम्पल देखा कि कैसे आपके बहुत विटी जवाब भी आते हैं, बहुत ही सीरियस इशूज़ पर। किसी के बच्चे को इलाज की ज़रूरत होती है, किसी को इंजेक्शन चाहिए होता है, सिर्फ कोरोना तक ही वो सीमित नहीं रहा, उसके बाद भी आप काम करते रहे और हमने कई विटी जवाब भी देखे। उसमें अभी हाल ही में एक भैंस पर आपने जवाब दिया, आपने कहा भैंस दिला देंगे पर उसमें दूध में मिलावट मत कीजिएगा। ये आपकी टीम की सोच थी या आपकी पर्सनल सोच थी कि मैं इसको इस तरीके से टेक फॉरवर्ड करूँगा कि हाँ, एक सीरियस कॉज है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे चुटीले अंदाज भी आपके उसमें दिखाई दे जाते हैं? नहीं, मेरी कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है, मैं खुद ही लिखता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी भाषा वो है और मैं वैसे ही लोगों से बात भी करता हूँ। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हमेशा, जो मैंने भी इतने साल से, मैं भी बहुत समय से सोशल मीडिया पे था, हमेशा हम लोग यूज़ करते थे कि कौन से जूते आपने नए खरीदे या कौन सी जैकेट की या जो आपकी फिल्म सी आप उसके बारे में बात करते थे। लेकिन शायद हम इस भीड़भाड़ में भूल गए कि सोशल मीडिया से आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो लोग आप तक नहीं पहुंच सकते। सो मेरा वो एक्सपीरियंस है जब मैं इन लोगों से बातें करता था, जो जवाब देता था, मुझे अपनापन लगता था। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। बिहार के अंदर फ्लड्स आए थे तो बहुत सारे परिवार थे जिन्होंने अपना रोज़गार खो दिया, कुछ घर नहीं थे उनके। तो जितने मैंने करीबन 7.5 लाख लोगों से टच में आया था जब माइग्रेंट्स की मूवमेंट थी, तो हर छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे 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 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे लोग थे वॉलंटियर्स से जिनको मैंने भेजा था। तो सबके नंबर से हमारे पास, सबकी डिटेल से, तो मैं उनको भेजता था कि आप जाइए ज़रा उस गाँव में देख कर आइए कि उसको ज़रूरत है, कि एक्चुअल वो जेन्युइन ज़रूरतमंद है कि नहीं है। तो वो लोग वहाँ उस गाँव में जाते थे, हमने भैंसें भी लेके दी। आप विश्वास करें, जब भैंस के साथ एक बछड़ा भी वो लेके देता था वॉलेंटियर, तो उस परिवार को इतनी खुशी होती थी, और हमें, मुझे लगता है कि एक हिट फिल्म की उतनी खुशी नहीं होती जब आपको लगता था यार उस घर में भैंस पहुंच गई है। सो आई फील कि जो देश की जनता है
उसकी जो जो पावर है, जो उसकी जो खुशी मिलती है जब आप उससे जुड़ते हैं, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं. सो वो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है अभी आपका. सोनू सूद को कभी ऐसा लगा कि काश मेरे लिए भी कोई सोनू सूद होता? क्योंकि आपका जीवन भी जाहिर तौर पर, हर किसी के जीवन में संघर्ष का समय आता है, हर किसी के जीवन में. और आपके लिए तो ये कहा जाता है कि कोई गॉडफादर नहीं था, बहुत संघर्षरत रहे आप. छोटी सी जगह मोगा से आते हैं आप. कभी आपको महसूस हुआ काश उस समय भी ऐसा होता कि मैं ट्विटर पर कुछ लिखता और मेरे लिए भी कोई ऐसे हाजिर हो जाता? अगर शायद हाजिर हो जाता तो ये ज़िंदगी का संघर्ष ने जो सिखाया है वो सीख नहीं पाता. मुझे लगता है मुश्किलें होती हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ सिखा देती हैं, और आज भी सीख ही रहा हूँ. बट हाँ, मेरा सोनू सूद ऊपर वाला है कहीं ना कहीं बैठा होगा, जो बता रहा है, सिखा रहा है कि क्या करना है. गलतियाँ भी होंगी, ठीक भी होगा, लेकिन गलतियाँ कर करके सीख ही जाएंगे. कभी ये ख्वाहिश आती है मन में कि काश मेरे पेरेंट्स भी होते यहाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उसे देखते? वो हर रोज़ मुझे महसूस होता है. मैं मेरे मदर और फादर, मेरे पापा की कपड़े की शॉप थी पंजाब के अंदर, बॉम्बे क्लॉथ हाउस नाम के, और मदर मेरे प्रोफेसर थे. जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की और मैं एक्टर बनने के लिए उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि जा अपने ड्रीम्स पूरे कर. लेकिन मुझे ये एक हमेशा लगता था कि मैं उनसे बहुत समय बाहर रहता हूँ, उनके पास समय बिता नहीं पाता. और जब पहली दफ़ा मुझे पहले फिल्म मिली तो मेरी मदर बड़ी खुश हुई, और उन्होंने बोला कि बस ज़िंदगी में जो तेरी सक्सेस है, हम रहे ना रहें लेकिन हम कहीं ना कहीं देखते ज़रूर रहेंगे कि क्या ज़िंदगी में तू अचीव कर रहा है. और आज जब मैं इस मंच पर बैठा हूँ इतने बड़े लोगों के सामने, तो मुझे लगता है कि कहीं मदर हैं ऊपर, फादर हैं, जो देख रहे हैं कि ज़िंदगी का जो चाल है वो सही है. सफ़र लंबा है लेकिन नामुमकिन नहीं, पहुँच ही जाएंगे. सोनू, आपके और रॉबिन के बीच में जो कॉमन थ्रेड है वो दरअसल ये है कि आप दोनों लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में, लोगों के लिए चीज़ों को एकजुट करना, एक मंच तक पहुंचाना, और ऐसे ज़मीन के धरातल से जुड़े रहना जहां पर ये सारे लोग दरअसल एक जीवन को एक संघर्ष के तौर पर जी रहे हैं. बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं रॉबिन, जिसकी आवश्यकता आज के दौर में पड़ती है, लेकिन वो मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं हैं. और ऐसे में आप जुड़े हैं उन लोगों से, बहुत सारे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जिनको आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, 6,000 से ज़्यादा घरों का निर्माण आपने किया है, वो मैं पढ़ रही थी कहीं. लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आपने एक ऐसे समय पर यहाँ पर काम करना शुरू किया जब आप ऑलरेडी सफलता के परचम पर हिंदुस्तान से बाहर थे. वहाँ से यहाँ तक आना, वो सफ़र तय करना, और उसके बाद यहाँ पर आकर उन लोगों से जुड़ना, ये एक बहुत लंबी जर्नी रही होगी. जी, मतलब होता क्या है कि जब आप एक अपने को सक्सेस की एक डेफिनेशन खुद बनाता है एक इंसान, तो पहले क्या होता है कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं अपनी एज में, तो आपको सक्सेस की डेफिनेशन लगती है कि मैं अपने काम को बढ़ाऊंगा, मिलियंस कमाऊंगा, बिलियंस कमाऊंगा, और फिर मेरा सक्सेस आएगा. एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको समझ आना शुरू होता है. मेरे लिए वो स्टेज 2003 में आई. 2003 में मैं एक इंडिया आया हुआ था, और नोएडा के 5वें फ्लोर एक अपने ऑफिस में था, और ब्लैंकली पीछे देख रहा था, और मैंने जब देखा तो मुझे बहुत से स्लम दिखे, तो मैं रोने लगा. तो मैं जब नीचे उतरा तो मुझे किसी ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो, आपने तो स्लम देखे हुए, आप तो इंडियन हो अल्टीमेटली. मैंने बोला इसलिए नहीं रो रहा मैंने स्लम देखे, मैंने इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इस बिल्डिंग में 2 साल से आ रहा हूँ मगर मुझे स्लम दिख ही नहीं रहे थे. तो मुझे लगा कि मैं अपनी देखने की शक्ति ही खो चुका हूँ, कि मुझे वही दिखता है जो मैं देखना चाहता हूँ, कि मुझे बस पैसा और बिल्डिंग्स और ऐसी चीज़ें और पावर दिख रही थी. तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और सक्सेस की मेरी जो डेफिनेशन थी कम्प्लीटली चेंज हो गई उस दिन. मुझे लगा कि मैं तो सक्सेसफुल हूँ ही नहीं. सक्सेसफुल आदमी वो है जो सिस्टम से लेता नहीं है, जो देता है कुछ. और मुझे लगा कि अगर एक वर्डिंग है जो मुझे हमेशा बड़ी अच्छी लगती है, कि कफन की कभी जेब नहीं होती. और मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं कुछ दे सकूं लोगों को. और तब से एक रॉबिन एना फाउंडेशन का जन्म हुआ 2003 से, और वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई. और एक ऐसा ड्रग आपकी बॉडी में आ जाता है कि जब आप एक खुशी देते हैं किसी को, तो आपको ऐसे लगता है कि मैंने कुछ पाया है अपने लिए भी. ये ड्रग आपकी बॉडी में भी है जब आपको ये लगता है कि आपने दरअसल जब लोगों के लिए कुछ किया तभी कुछ पाया है. लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से भी करते हैं, आपकी नियत पे हमेशा सवाल उठते होंगे सोनू, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे करोड़ों खर्च हो रहे हैं, कौन फंड कर रहा है, कोई पॉलिटिकल इंटेंशन तो नहीं है.
इन सबसे बुरा तो लगता होगा, कई बार रातों की नींद भी जाती है, आप निस्वार्थ भाव से किए जा रहे हैं, लगे हुए हैं रात के 2 बजे 3 बजे, उसके बाद भी लोग आपकी इंटेंशंस पर सवाल उठाते हैं। मैंने, मेरे डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी जो मैं छोटे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने जब बोला कि जब तू काम कर रहा है ना तो तेरे ऊपर बहुत सारी उंगलियाँ उठने वाली, तो बोले थे कि पाप के 4 हथियार होते हैं। पहला हथियार होता है निंदा, कि जब आप काम करना शुरू करते हैं तो लोग आपकी निंदा करना शुरू करते हैं कि भैया ये क्यों काम कर रहा है, इसके इससे क्या होएगा, एक्टर है, कुछ नहीं होगा, तो आप अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो पाप अपने पहले हथियार से जीत जाता है, कुछ लोग उसको पार कर देते हैं, तो फिर अपना दूसरा हथियार फेंकता है जो अपेक्षा। किसकी अपेक्षा क्या है, क्यों काम कर रहा है, क्या इसको पॉलिटिशियन बनना है, क्या इसका कुछ पीछे इसका है, कोई इसको बाहर से कुछ आ रहा है। तो लोग बोलते हैं यार मैं तो अच्छा काम कर रहा था, मुझे क्या जरूरत है काम करने की, तो वो अपना काम छोड़ देता है बीच में और पाप अपने दूसरे हथियार से जीत जाता है। और कई बार कुछ लोग उसको भी पार कर देते हैं और पाप अपना तीसरा हथियार फेंकता है जिसको बोलते हैं हत्या, चाहे वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो या आपको वैसे ईसा मसीह को सूली मिली, गांधी जी को गोली मिली, तो इस तरह आपको ख़त्म करते हैं और पाप अपने तीसरे हथियार से जीत जाता है जब आप काम करते हैं। और कुछ लोग पार करके उसको चौथे जगह पर पहुंचते हैं और पाप अपना फाइनल हथियार फेंकता है जिसको बोलते हैं कि आप भगवान बन चुके हैं, कि आप जो कर रहे हैं उस सबसे ऊपर है। सो मुझे लगता है कि ये पाप के जो हथियार हैं, मैं उनसे रोज़ मिलता हूँ, बड़े लोग बोलते हैं कि ये पॉलिटिक्स में आ जाएगा, ये कुछ इसके पता नहीं कहाँ से सब कुछ आ रहा है। तो अभी तो आईटी वाले भी घर पे आ चुके हैं तो उनको पता ही है कि कहाँ से आ चुका है सब कुछ। तो मैं उनको भी बोलता था, जब 53,000 मेल मिले थे उनको, तभी सवाल उठे थे कि क्या ये राजनीति से प्रेरित है, क्या सोनू सूद को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। देखिए मैं ऐसा नहीं कहता, मुझे लगता है कि वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं करता भी रहूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता, रुकना नहीं चाहिए। जब सब कुछ हो भी रहा था तो उस समय भी 250-200 लोग खड़े ही थे नीचे, जैसे हर रोज़ खड़े होते हैं। सो आई फील यू नो ऐसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी मुझसे मांगा जाए मैं उसको दिखाऊँ। बट एक चीज़ जो उन लोगों ने भी शायद एक्सपीरियंस की होगी कि मुझे देश जोड़ना आता है, मुझे जोड़ना आता है। अगर आज आप मुझे बोलें कि देश के किसी कोने में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, छोटे से छोटे कस्बे, छोटे से छोटे मोहल्ले के अंदर किसी को मेडिकल हेल्प हो, किसी को एजुकेशन हेल्प हो, किसी को दवाई पहुंचानी हो, किसी को ऑक्सीजन पहुंचानी हो, मैं शायद सब लोगों से पहले पहुंचा सकता हूं। वो इसलिए क्योंकि शायद कहीं ना कहीं देश से जुड़ा हूं। रॉबिन, आप अब प्रोड्यूसर भी बन गए हैं और आपने एक ऐसी फिल्म में दरअसल इन्वेस्ट किया जिसने ऑस्कर्स तक अपना नाम पहुँचाया, कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आप हर उस एस्पेक्ट में अपना ध्यान फोकस करना चाहते हैं या फिर आपकी फाउंडेशन करना चाहती है जो उन लोगों के साथ जुड़ सके और उनकी एक बेहतर तस्वीर एक विश्व पटल पर पहुंचा सकें आप। ये कोशिश आपकी सार्थक हुई इस फिल्म के ज़रिए? जी हाँ, ये फिल्म थी दिल्ली के नाम से, हमने एक फिल्म प्रोड्यूस करी, एक डॉक्यूमेंट्री थी, और वो फिल्म एक दिल्ली के जो हमारे गरीब हैं उनकी लड़ाई के बारे में फिल्म थी। और जब कॉमनवेल्थ गेम हुई तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी इस यहाँ पे, तो उन्होंने दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए गरीबों को बवाना में फेंक दिया, तो लगभग 1.5 लाख लोग डिस्प्लेस किए गए यमुना पुश्ता से। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा कि हम किसको दिखा रहे हैं, ये हमारे देशवासी हैं, हम किसको ऊँचा बनने की, हम क्यों दिखा रहे हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। अगर हमारे देश में गरीबी है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और अगर हमें बुरा लग रहा है तो कुछ करते हैं चेंज करने के लिए। तो उस समय पे मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी और हमारे जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया उसके बाद, और फिल्म ने अभी हमने उसको इंटरनेशनल सर्किट पर डाला, 25 इंटरनेशनल अवार्ड दिए और काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड मिले, ऑस्कर की लिस्ट के टॉप 10 में पहुँच गई, फिर हार गई उसके बाद। मगर जो फिल्म का मोटिव था, आज वो US के स्कूल्स में चल रही है, जो बहुत से आप हुज़ हु जो स्कूल्स हैं US के, वहाँ पे वो दिखाई जा रही है स्टूडेंट्स को। तो एक हैप्पी स्टोरी थी वो, ये स्टोरी नहीं थी डिप्रेशन की और गरीबों की डिप्रेशन की, वो एक स्टोरी थी कि गरीबों को कैसे बाहर फेंका गया, मगर उसके बाद भी वो अभी भी खुश हैं, उनकी आइडेंटिटी अभी भी है। और तो वो एक कोशिश थी। मैं बहुत पेट्रियाटिक इंडियन हूँ, मेरे पास US पासपोर्ट होल्डर हूँ वैसे मैं, मगर जो यहाँ पे मेरे दिल में वो इंडिया का ही पासपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि एज एन इंडियन मुझे कुछ करना है इंडिया को चेंज करने के लिए, और एक्सेप्ट, कोई अगर मुझे चीज़ ख़राब दिखती है तो मैं उस पर ऐसा नहीं करता हूँ कि एक नॉन रेजिडेंट इंडियन की तरह कि क्रिटिसाइज करूँगा। मुझे लगता है कि उसको चेंज करने के लिए मेरा भी कोई रोल होना चाहिए कि इंस्पायर करो, चेंज करो।
तो वही एक कोशिश थी इस फिल्म के थ्रू कि इंस्पायर करे लोगों को कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सोनू, आप हाल फिलहाल पंजाब गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन ड्राइव के ब्रांड एम्बेसडर बने। मैं खुद उस दिन एंकरिंग कर रही थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव शुरू हो गई, फिर एक बार सुगबुगाहट तेज़ हो गई। सोनू सूद किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ रहे हैं? सोनू सूद क्या वाकई वैक्सीनेशन ड्राइव में इंटरेस्टेड है या राजनीति में? क्या सोनू सूद आने वाले भविष्य में राजनीति को भी जोड़कर देखते हैं इन सब चीज़ों के साथ? मेरा सीधा सा सवाल इसलिए क्योंकि बार बार ये बातें उठ रही हैं, आज आप विराम लगा ही दीजिए सोनू इस बात। देखिए, दो बातें हैं, या तो सब लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं या तो चाहते हैं कि मैं ना आऊं, तो ये मुझे सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। देखिए, राजनीति बड़े कमाल का फील्ड है। लोग बोलते हैं इट्स अ डर्टी पॉलिटिक्स, इज अ डर्टी गेम, डोंट गेट इनटू। मुझे लगता है कि जब तक आप उस दुनिया में आएंगे नहीं, बदलेंगे कैसे, ये मेरी सोच है। लेकिन मैं अभी ऐसी ज़िंदगी की स्टेज में हूँ कि लोगों तक पहुंच रहा हूं, मदद कर रहा हूं, सब जो भी मैं सू चैरिटी फाउंडेशन मैंने बनाया है उससे बहुत कुछ लोगों से जुड़ा हूं। लेकिन आप जब एकदम नई पिच पे आते हैं, नए स्टेडियम में खेलने आते हैं, आपको पता नहीं कि आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बोलते हैं कि जिस लेवल का आप काम कर रहे हो, अगर आप राजनीति में आओगे तो और बड़ा काम कर पाओगे। लेकिन मुझे अभी पता नहीं कि मैं उसके लिए तैयार हूँ या नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं कभी नहीं आऊँगा। जिस दिन आऊँगा उस दिन डंके की चोट पर आऊँगा और मैं बताऊंगा ज़रूर कि हाँ, मैं शायद इस लायक हूँ, मैं आऊँगा। पर अभी आई एम नॉट श्योर। मतलब आप मना भी नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर किसी पार्टी की तरफ से आपको टिकट ऑफर किया जाता है आगामी चुनाव में, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मोगा से ही फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप वो दरअसल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वो आईपीएल प्लेयर हैं जिसको मालूम है कि ये श्योर शॉट है कि ये जीत दिला ही देगा। सबसे ऑफर हो चुका है, कोई बात नहीं, पिछले कई सालों से ऑफर हो रहा है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देखिए, टिकट तो बहुत एक चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग समझते हैं आपको देने के लिए, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, मैंने राज्यसभा भी छोड़ चुका हूँ, मुझे वो भी ऑफर हुई थी, तो मैं बड़ी सुकून सी ज़िंदगी जी सकता था। बट लाइक आई सेड, मुझे पता नहीं था कि मैं उसके लिए तैयार हूँ या नहीं। टिकट मिलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, टिकट देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है सब लोग करते नहीं करते। मैं हमेशा बोलता हूँ, नेता कमाल का वो जिसे ज़बरदस्ती कुर्सी पे बिठाया जाए। अगर आप कुर्सी के पीछे भागेंगे तो फिर आप देश के लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको ज़बरदस्ती लोग पकड़ के कुर्सी पे बिठा दें कि बॉस तू बैठ, तू इस लायक है और तू बदल सकता है देश को, तो आई थिंक वो बंदा होना चाहिए। वो किसी भी गाँव में हो सकता है, पंजाब में हो, बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो। ओमिक्रॉन एक नया खतरा जो हम सबके बीच इन दिनों चर्चा में भी है, सोनू सूद इस ओमिक्रॉन से कैसे निपटेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर जो पिछली गलतियां थी उससे आपने सेकेंड वेव में सबक लिया होगा और उसको इम्प्रूव किया होगा, अपने तरीकों को, अपने लोगों से जुड़ने के बदलाव किए होंगे, लेकिन इस बार ओमिक्रॉन के लिए सोनू सूद की क्या तैयारी है? मैं हमेशा खड़ा हूँ, मेरा फ़ोन 24 घंटे बजता है, रात को भी बजता है और तभी भी जवाब देते हैं। अभी हम पिछले 2 साल में तो ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर ही पाए हैं, जैसे मैंने बोला कि देश भर के कोने कोने में हमारे लोग हैं, हमारा सिस्टम है, अगर किसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम पहुंच सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग बहुत इक्विप्ड हैं, हमें पता है कि कैसे डील किया जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जब ज़रूरत में होता है, चाहे आप उस लायक हो ना हो, लेकिन अगर आप उसको हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन जो मैं सबसे बोलता हूँ कि ये है कि लोग मुझसे पूछते थे कि तू कैसे करता है, कैसे तेरे को बेड मिल जाते हैं, कैसे तेरे को ऑक्सीजन मिल जाती है, कैसे तू हर जगह पहुँच जाता है, तो मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता था, आई डोंट थिंक ट्वाइस कॉलिंग समबडी आई डोंट नो फॉर समबडी आई डोंट नो। हमेशा हम लोग ये सोचते रहते हैं कि कैसे हम लोग, यू नो, मैं एक बार आपसे, अगर मैं कुछ आपसे कुछ एहसान लूँगा कि आप मेरे लिए किसी को मदद कर दीजिए, बेड दिला दीजिए, तो आप दिला देंगे, फिर 5 मिनट में दूसरे का फ़ोन आएगा, फिर बोलूँगा अरे यार एहसान ले लिया, अभी मैं कैसे फ़ोन करूँ, तो आप नहीं फ़ोन करते। आप 10 बार फ़ोन कीजिए, आप बोलिए कि सर मैं जिसकी मदद करना चाहता हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इसकी हेल्प कीजिए, और विश्वास कीजिए वो हेल्प होगी और उसे वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। रॉबिन, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे कॉज से जुड़े हुए हैं और मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि हम लोग ग्राउंड पर भी जाते हैं, हम लोग चुनाव के दौरान अमेठी हो, यूपी के अलग अलग दूर दराज के इलाके जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है, किसी के घर में बल्ब नहीं होता है, कहीं पर शौचालय नहीं होता है, और अगर सरकार बनवा भी दे तो कई बार अवेयरनेस यानी कि जागरूकता की कमी होती है। टॉयलेट को स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करते हैं और खेत में ही जाना पसंद करते हैं, वो जागरूकता लाने के लिए भी आपके कोई प्रयास हैं?
देखिए कोशिश तो होती है, मतलब मैं भी सोशल मीडिया को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, अपने फेसबुक अपना फेसबुक फैन पेज है या इंस्टाग्राम फैन पेज है, कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने की ऐसी चीज़ें, मगर अल्टीमेटली आपको खुद जाना पड़ता है इन जगहों पे कि अगर आपको बहुत कोई ऐसी जगह कॉज लगता है कि कोई आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि आज एक बहुत बड़ा स्लम, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्लम है बवाना का, जहाँ पर मैं वो 6,000 घर बना रहा हूँ, तो अगर आप वो स्लम का एरिया देखेंगे तो बहुत साल पहले अपने आपके मनीष सिसोदिया जी ने एक फिल्म बनाई थी मेरे ऊपर, उनका नाम था, फिल्म का नाम था मेरे अपने, और उन्होंने एक स्टोरी बनाई थी मेरी और मेरे 5 बच्चों की का प्यार था उनका, तो उस टाइम पे उन्होंने ये बड़ा हाईलाइट किया कि भवाना में जो ड्रेनेज सिस्टम है नहीं है, तो हर घर एक नालियाँ लगी हुई हैं, नालियाँ हैं 16-16 फीट की नालियाँ हैं, और उसमें अभी तक जानवर पड़े रहते हैं और डिजीज़ फैल रहा है, एवरी 5 घर में एक हैंडीकैप बच्चा है, तो मैं बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूं इन चीज़ों के बारे, तो मैंने उस टाइम पे उन्होंने वो हाईलाइट किया। आज मेरी गुजारिश है फॉर एग्जांपल इस फोरम से आपने कहा एक अपील करने के लिए, तो आज हमारे सिसोदिया जी पावर में हैं, तो आज अब उनको कुछ करना चाहिए उसके लिए। बवाना एक एरिया है जहाँ पे इस डे एंड एज में अगर कहीं पे हमें एक स्लम ड्वेलर के एक एरिया में अगर आप उनको एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पा रहे तो हमने क्या तरक्की करी है इंडिया में। सो हैविंग सेड दैट, मैं अपनी तरफ से हर फोरम यूज़ करता हूँ, अब मेरे को कोई किसी भी, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम हो या कहीं भी हो, तो मैं मुझे तो एक बेसिक आदत है कि मैं चैरिटी का कोई कॉज पकड़ता हूँ जो मेरे को लगता है कि कोई लोगों के सामने लाना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर पाते। अब जैसे आप ड्रेनेज सिस्टम का एग्जांपल लीजिए कि अगर मैं उसको चेंज करना चाहूँ, जो मैं खुद करने को तैयार हूँ, मगर स्टेट ने मुझे बोला कि आप, ये स्टेट सब्जेक्ट है, आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे, तो मैंने कहा फिर करिए, मगर वो नहीं हुआ है। और मैं ये 15 साल से एक फाइट देख रहा हूँ कि एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिल पा रहा है दिल्ली में, जो हमारा कैपिटल है, उसके साइड में एक बवाना में। सो हैविंग सेड दैट, कोशिश होती है हाईलाइट करने की इश्यूज़ को, और कई बार एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक कश्मीरी हिंदू हूँ तो बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ अबाउट टेररिज्म, अगेंस्ट टेररिज्म एंड सो ऑन, मगर मैं पाकिस्तान गया और मैंने पाकिस्तान में एक कैंसर वार्ड बनाया, इमरान खान साहब के हस्पताल में शौकत खाना में मेरा एक वार्ड है 224, जिसमें कि हम बच्चों की कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल क्रिएट करके एक इंस्पिरेशन बनना चाहता था, बताना चाहता था लोगों को कि मैं जबकि कश्मीरी हिंदू हूँ, मेरे भी पेरेंट्स का घर ले गए हैं और ज़मीन चली गई है, मगर उसका जो बच्चा जो कैंसर से डील कर रहा है, वो किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, उसकी पेन सेम होती है। तो मुझे लगा कि मुझे एक एग्जाम्पल बन के कुछ एक उस एरिया में भी काम करना चाहिए। तो कोशिश करते हैं और कई बारी सक्सेसफुल होती है कोशिश, कई बारी लोग हाईलाइट कर लेते हैं, कई बारी नहीं, लोगों को फिर भी नहीं, जैसे मेरा ड्रेनेज वाला फाइट है, अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी कोशिश रंग लाए। लेकिन सोनू, हम सभी के जहन में ये आता है कि जेन्युइन कॉलर्स और फेक कॉलर्स, जिनको ज़रूरतमंद है और जिनको नहीं है, वो आपका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उनको आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ये एक चैलेंज है या इस चैलेंज को ओवरकम कर चुके हैं आप? हम लोग अभी पिछले करीबन 2 साल से कर रहे हैं, तो अभी एक ऐसा बॉडी के अंदर स्कैनर आ गया कि जैसे आप देखते हो आपको पता चल जाता है ये कितना जेन्युइन है या नहीं। हमारे सब लोगों को भी ट्रेन किया गया। दूसरी बात यह है कि हम कभी किसी को पैसे नहीं देते, हम सिर्फ हॉस्पिटल्स को, करीबन हम इस समय करीबन 22,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं हम लोग, हम सिर्फ स्कूल्स को, सिर्फ कॉलेजेस को पेमेंट्स करते हैं, हॉस्पिटल्स को पेमेंट्स करते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो लोगों को पता है कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल हेल्प कोई ऐसे लेने आएगा तो नहीं होगा, लेकिन तकलीफ कोई भी हो, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, वी आर देयर टू टेक केयर। नहीं, लेकिन सोनू ये भी आप मानेंगे कि इंडिया में सिस्टम ऐसा है ना कि ज़रूरतमंद तक पैसा पहुंचते पैसा आधा या उससे भी कम रह जाता है जी। वो ना हो, एकदम ट्रांसपेरेंसी रहे, क्या इसके लिए भी कोई कोशिश है आपकी? नहीं, बिल्कुल है। मैं जैसे आपको बोला कि हम लोग पूरा जो जहाँ से टेस्टिंग से शुरू होकर जब तक पेशेंट छूटता नहीं, हमारे सब यू नो चैनल्स बने हुए हैं, डॉक्टर्स से हम लोग पर्सनली प्री ऑप पोस्ट ऑप पूरी डिटेल्स लेते हैं। और अब विश्वास मानिए, जितने हम लोग आज, अगर आप लिवर ट्रांसप्लांट किसी हॉस्पिटल्स में कराते हैं तो 20-22 लाख लगता है, लेकिन हम सिर्फ 10-12 लाख में करवाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डॉक्टर्स हम लोगों से पैसे नहीं लेते कि यार आप पूरा खर्चा कर रहे हो तो हम नहीं लेंगे। सो आई फील कि एक ऐसा सिस्टम बन गया है, करीबन यू आर कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट 47
7,000 डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री अभी पिछले दो साल में. तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन चुका है जहाँ पर हर चीज़ फिल्टर हो जाती है. अगर कुछ गलत सोर्सेस आते भी हैं तो भी वो पता चल जाता है कि दे आर नॉट द जेन्युइन वंस, वी ट्राई टू फिल्टर देम आउट. नेहा, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इस पे. देखिए, क्या होता है कि चैरिटी में एक सिनिसिज्म बहुत है कि कई लोगों को लगता है जब चैरिटी हो रही है तो कई लोग सोचते हैं इसमें पैसा आ रहा है, पता नहीं कोई पैसा ना ले जाए. जैसे आपने इनसे सवाल पूछा, तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया था अभी, उसका नाम मेरा योगदान है. योगदान एक है, हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया. हमने कहा कि जैसे अगर मेरा ये जूता है, मुझे ये लगा ये जूता मैं डोनेट करना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि एक इंडिया में डिस्पैरिटी बहुत है, एक बहुत रिच है एक बहुत गरीब है, और हमारे पास एक्सेस वेल्थ है. अगर हम वो एक्सेस वेल्थ काइंड में देना शुरू करें और हमें ये कोई तरीका मिल जाए कि वो पहुंच गया उस जगह पे, पता चल जाए, तो लोग और ज़्यादा डोनेट करेंगे. तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया मेरा योगदान के नाम से. इंडिया में एक बहुत बड़ी चैरिटी है सेवा भारती. सेवा भारती और रॉबिन डाना फाउंडेशन ने मिल के एक मॉल बनाया अशोक विहार में, एक रियल एग्जाम्पल है. उस मॉल में गरीब आते हैं, वो एक आधार कार्ड दिखाते हैं और बोलते हैं मुझे एक 9 नंबर का जूता चाहिए. तो उस मॉल में वो उनको बोलते हैं पीछे शू सेक्शन में चले जाइए. वो शू सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे ये वाला मेरा जूता जो मैंने डोनेट किया है सपोजिंग, वो वहाँ पड़ा है और उसको पसंद आ गया. उसने पहना, वो काउंटर पे आया और उसने 5 रुपये दिए एज अ टोकन मनी टू रिस्पेक्ट इट. और उसके बाद वो जो डोनर था उसको ट्रैकिंग, उसको शू को बारकोड किया हुआ है हमने, तो वो शू का जो डोनर है उसको ईमेल चले जाता है कि किस आदमी ने क्या फ़ोन नंबर है, कौन से गरीब को कहाँ पे वो जूता पहुँच गया आपका. तो मुझे लगा वो करने से हम ये जो पैसे की सिनिसिज्म है इसको निकाल देंगे बीच से, कि एटलीस्ट एक ट्रैकेबल सिस्टम बन जाएगा कि डोनर को पूरा विश्वास होता है कि मैंने जो डोनेट किया वो पहुँच गया गरीब पे. तो आपने वो प्लेटफॉर्म दिया है और आप लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं कि ये वो ज़रिया है जिसके जिससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर आप जूता दे रहे हैं या कोई भी अपनी ऐसी चीज़ दे रहे हैं तो वो ज़रूरतमंद तक पहुंच रही है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. और सोनू, क्योंकि आपकी एक आपके ऊपर आधारित एक किताब भी आई है, आई एम नो मेसिया, तो आखिरी सवाल मेरा यही कि आई एम नो पॉलिटिशियन, ऐसी भी कोई किताब आएगी ये कभी? जितने पॉलिटिशियंस हैं सब मसीहा ही हैं, तो क्यों नहीं. आई थिंक दे आर द रियल मसीहास ऑफ द कंट्री हु आर गोइंग टू मेक दिस कंट्री लुक ब्यूटीफुल. बट लाइक आई सेड, आई एम स्टिल, आई हैव माइल्स टू गो, द जर्नी इज ऑन, एक दिन मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे. चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मंच पर जुड़ने के लिए और आज तक एजेंडा में शामिल होने के लिए. जोरदार तालियों के साथ रॉबिन और सोनू हमारे साथ जुड़े और आज तक एजेंडा के मंच को सुशोभित किया. बहुत बहुत धन्यवाद.